ये एनआरसी है, नेशनल सिटीजन्स रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स। चलो लाइन से इलेक्शन है सर पे, नया पीएम होगा, नए होंगे खर्चे, ओपोजिशन को भी मिलेंगे मौके, विदेश यात्रा और चाय पे चर्चे। हमने इन पर भरोसा किया, उन्होंने हमको धोखा दिया। हमने इनको अपना लीडर माना, हमने इनको अपना रहबर माना, हमने इनको अपना मसीहा माना, मगर हमको क्या मिला? कि ऐसी गरीबी की जड़ों को जमा दिया गया है तो उसको उखाड़ फेंकने के लिए मुझे भारी मेहनत करनी पड़ रही है। हम मालूम है तेरे बाप को, मत सिखा चल। एनआरसी इसका भी ऐसा झूठ चलाया जा रहा है। ये कांग्रेस में जमाने में बना था, तब सोए थे क्या? हमने तो बनाया नहीं, पार्लियामेंट में आया नहीं। प्रियंका गांधी जब इंडिया गेट पे धरना दे रही थी, हम 7 बजे वहां से वापस चले, तो रास्ते में मैंने जामिया नगर के एसएचओ का एक वीडियो देखा, उसके रिएक्शन में मैंने 7 बजे कल शाम 7 बजे मैंने रिएक्ट किया है। वो कह रहे एसएचओ एफआईआर अपने लोगों के साथ थे, कहीं थे क्या? मैं परसों भी था, नरसों भी था, आज भी था, लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या शाहीन बाग में कोई दंगा हुआ? क्या शाहीन बाग थाने में कोई एफआईआर हुई? एफआईआर आप न्यू फ्रेंड थाने की करते हो, एफआईआर आप जामिया नगर थाने की करते हो, और मेरी प्रेजेंस आप शाहीन बाग में शो करते हो। शाहीन बाग में शाहीन बाग का बाग थाना खुद मौजूद है। अगर मैंने शाहीन बाग में दंगाई करी होती, मैंने कोई अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज इस्तेमाल की होती, तो आप मेरे खिलाफ शाहीन बाग थाने में केस रजिस्टर्ड करते। आप मेरे खिलाफ जामिया नगर और न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में करो, आप मुझे दिखाते हो। इसका मतलब सीधा सीधा हो गया कि आप जो लोग यहाँ के लोगों की आवाज़ बनते हैं, आप उनका मॉरल डाउन करना चाहते हो। अब जैसे ही सरजील इमाम ने स्टेटमेंट दिया, केजरीवाल ने ट्वीट ठोक दिया। क्या अमित शाह जी, आप क्या कर रहे हो? आप राजनीति में बिजी हो, सरजील इमाम को पकड़ लो, पकड़ना चाहिए, आप गृह मंत्री हो देश के। मैंने कहा पहली बार केजरीवाल ने देशभक्ति की जीवन में बात करी है, मैंने तुरंत मान ली और सरजील इमाम को बिहार से पकड़कर जेल में भेजा। अब कन्हैया कुमार, उमर खालिद और सरजील इमाम को प्रोसिक्यूशन की परमिशन देनी है। केजरीवाल जी 1.25 साल से परमिशन नहीं देते हैं। सरजील इमाम के मामले में अभी भी हार नहीं बोल रहे, वो कुछ पूछकर मेरा गला सूख गया। क्या बताओ, इन लोगों पर केस चलाने की परमिशन दोगे या नहीं दोगे? मगर नहीं दे, नहीं दे। आप चिंता मत करो, 11 तारीख को कमल निशान की भारतीय जनता पार्टी की सरकार बना दो, 1 बजे शपथ के तुरंत बाद 1 घंटे में इस सरजील इमाम, उमर खालिद और कन्हैया कुमार के खिलाफ प्रोसिक्यूशन की परमिशन भारतीय जनता पार्टी की। आज सबसे ज्यादा फायदा शाहीन बाग को, बीजेपी को हो रहा है शाहीन बाग की वजह से। बीजेपी केवल और केवल शाहीन बाग के मुद्दे पे चुनाव लड़ रही है और उनके पास कोई मुद्दा नहीं बचा है, केवल और केवल। वो जो एक सड़क है, वो सड़क खुलनी चाहिए, सब लोग चाहते हैं, हम भी चाहते हैं, सब लोग चाहते हैं कि वो सड़क खुलनी चाहिए, जिसकी वजह से बच्चे की स्कूल बस नहीं जा पा रही है, आधे घंटे का सफ़र 3-3 घंटे रोज लग रहा है, जिसकी वजह से एम्बुलेंस नहीं जा पा रही है। अमित शाह इस देश के गृह मंत्री हैं, अमित शाह इस देश के सबसे पावरफुल आदमी हैं। अमित शाह एक सड़क नहीं खुलवा सकते, ऐसा कोई मानने को तैयार नहीं है। अमित शाह चाहे तो 10 मिनट के अंदर वो सड़क खुल सकती है, तो अमित शाह सड़क खुलवाना नहीं चाहते, क्योंकि वो शाहीन बाग को, मुद्दे को जिंदा रखना चाहते हैं। वो ये बहुत दुखद बात है कि एक चुनाव के लिए उन्होंने 1.5 महीने से दिल्ली के लोगों को अमित शाह ने परेशान किया हुआ है। तो शाहीन बाग का मुद्दा केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी ने इन चुनावों के लिए खड़ा किया हुआ है।